Hi friends and foodies, this is Payal. Welcome to our happy kitchen. Instead of my sister Priya, आज का शो मैं होस्ट करने वाली हूँ. आज मैं आपको सिखाऊंगी Szechuan fried rice. तो आइए जान लेते हैं Szechuan fried rice कैसे बनते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से ingredients चाहिए होंगे. यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितने बॉइल्ड राइस लिए हैं, जो अराउंड 95% जितने कुक्ड हैं. उसके बाद मैंने लिया है अनियन. एक अनियन को इस तरह से लंबा स्लाइस कर दिया है. उसके बाद मैंने लिया है जिंजर, गार्लिक और चिल्ली चॉप, जिसमें मैंने 4 to 5 गार्लिक्स लिए है, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया है और 2 ग्रीन चिली इस तरह से पतला पतला चॉप कर दिया हुआ है. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 जितने स्प्रिंग अनियंस, 1/2 बाउल जितना बीन्स, 1/2 बाउल जितना कैरेट, या 1 कैरेट आप ले सकते हैं, बिल्कुल पतला पतला काटना है उसे. उसके बाद मैंने लिया है 1 बाउल जितनी श्रेडेड कैबेज और 3 कलर के कैप्सिकम लेने हैं, रेड, ग्रीन और येलो. तीनों आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हैं. जो आप जिसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो आप वो ज़्यादा ले सकते हैं. उसके बाद मैंने ये चाइनीज सॉसेस ली हुई हैं, जिसमें मैंने एक सिजवान सॉस ली हुई है, ग्रीन चिली सॉस ली हुई है, रेड चिली सॉस ली हुई है, ब्लैक सोया सॉस ली हुई है और विनेगर लिया हुआ है. तो आइए जान लेते हैं अब इसकी प्रोसेस. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पैन को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून जितना ऑयल. ऑयल के गर्म होने पे हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस. ये एक चाइनीज डिश है, तो चाइनीज डिश हमेशा फुल फ्लेम पे ही बनती है, तो गैस को प्रॉपर फुल पे ही रखना है थ्रू आउट. अनियन बस हल्का सा सौते हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, गार्लिक और चिली. सभी वेजिटेबल पतली पतली चॉप की हुई हैं, तो इसको ज़्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है. बस हल्का सा सौते हो जाए, उसके बाद हम ऐड करेंगे कैरेट्स. कैरेट्स के साथ साथ हम डाल देंगे बीन्स. कैरेट्स को और बीन्स को 1 से 2 मिनट तक सौते करना है. हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टाइप्स ऑफ बेल पेपर्स, येलो कैप्सिकम्स, ग्रीन कैप्सिकम्स, रेड कैप्सिकम्स. इन्हें भी फुल फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक सौते कर देना है. हल्का सा जस्ट इनका कच्चापन दूर हो जाए तब तक सौते करेंगे. अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ स्प्रिंग अनियंस, उसके साथ साथ कैबेज और उसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे राइस. इस स्टेज पे गैस को हमें लो फ्लेम पे रख के और इसमें सॉसेस भी ऐड करनी है. मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून जितनी सेजवान सॉस, 1 टीस्पून जितनी ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून जितनी रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून जितना डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून जितना विनेगर. ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट. बस इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. गैस को फिर से फुल पे रखना है. आप देख सकते हैं राइस कितने कलरफुल और ब्यूटीफुल लग रहे हैं. ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं. सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये फिर बनकर रेडी है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सिजवान फ्राइड राइस मिक्स होके अच्छे से रेडी हो गए हैं. आपको सिजलिंग साउंड भी आ रही होगी. इस स्टेज पे हम गैस को स्विच ऑफ कर लेंगे.
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चाइनीज सिजवान फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी भी मंचूरियन या पनीर की ग्रेवी के साथ, या इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप मेरी ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट्स टोटली फ्री। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।